हाय फ्रेंड्स, आज एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डीसी मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड में करना सिखाएंगे। चलिए इसका वायरिंग करना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें दो टू वे स्विच चाहिए, जिसमें थ्री टर्मिनल होता है। ये रहा हमारा दो टू वे स्विच, इस और कुछ यहाँ वायर का टुकड़ा, एक बैटरी। चलिए इसका हम वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ ग्रेट वाइट लिखा हुआ है, ये दिख रहा होगा। इसके नीचे वाले पॉइंट को हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा कनेक्ट हो चुका। अब ऊपर वाले पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। ये रहा हमारा मोटर का प्लस पॉइंट और ये माइनस पॉइंट। आप चाहे इसको यहाँ या फिर यहाँ कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ। मोटर का माइनस वायर है, यहाँ कनेक्ट हो चुका। इसके प्लस वाले वायर को हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट स्विच के बीच वाले पॉइंट से। हो गया। अभी हम बैटरी के थर्ड पॉइंट को, बैटरी के दोनों वायर को हम कनेक्ट करेंगे। इसके प्लस पॉइंट को आप चाहे तो यहाँ या फिर यहाँ कहीं कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा। मैं प्लस वायर को यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ। आप चाहे यहाँ यहाँ कहीं कर सकते हैं, मैं यहाँ कर लेता हूँ। ये हमारा बैटरी का प्लस वायर ज्वाइंट हो चुका है। ये रहा बैटरी का माइनस वायर, जिसको मैं सेकेंड स्विच के नीचे वाले पॉइंट से इसको कनेक्ट करूँगा। चलिए मैं इसको कस लेता हूँ। ये हमारा वायरिंग कंप्लीट है। चलिए अब इसका हम टेस्टिंग करते हैं। चलिए इसको हम पुश कर रहे हैं, फर्स्ट वाले स्विच को पुश कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉरवर्ड में मोटर घूम रहा है। हमारा मोटर सीधा घूम रहा है। अगर इसको पुश कर रहे तो हमारा नेगेटिव यानी उल्टा घूमेगा, हमारा उल्टा घूम रहा है। ये फॉरवर्ड, इस स्विच से हमारा फॉरवर्ड होगा, इससे हमारा रिवर्स होगा। आप देख सकते हैं रिवर्स हो रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।